हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेबसाइट एंड ब्लॉग के बीच में क्या डिफरेंस है एंड क्यों आजकल लोग वेबसाइट प्लस ब्लॉग के लिए जा रहे हैं एंड कैसे इनिशियली ब्लॉग स्टार्ट हुआ था एंड आप कैसे उन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या बेसिक नॉलेज आपके पास क्या होनी चाहिए ब्लॉग के रिलेटेड एंड वेबसाइट के रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो सबसे पहली चीज़ तो कि जो वेबसाइट होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, या तो वो स्टैटिक होता है या तो वो डायनामिक हो सकता है। डायनामिक मतलब जहाँ पे कुछ चेंजेस किए जा सके, या स्टैटिक मतलब जो एकदम सेम होता है, उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते आगे, ठीक है। अब ब्लॉग पर अगर हम आए तो ब्लॉग एक टाइप का वेबसाइट होता है वेर द कॉन्टेंट इज प्रेजेंटेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल जो है यहाँ पे जनरली पहले से बाद का, इस तरीके से। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल मतलब जो पहले, सबसे पहले कंटेंट होता है वो सबसे ऊपर दिखता है एंड उसके बाद, मान लीजिए आज हमारा 14th है तो 14th का जो कंटेंट होगा वो सबसे ऊपर होगा, फिर 13th का होगा, फिर 12th का होगा, इस तरीके से जो कंटेंट है वो प्रेजेंट होता है उसके ऊपर। एंड वेबसाइट का हम सब जानते हैं कि उस पर जो डेटा होता है वो किसी भी तरीके से प्रेजेंट करवा सकते हैं, उसमें कोई ऐसे नहीं है कि ऑर्डर होता है, हमें जहाँ चाहिए हम उस तरीके से। एक ऑफ कोर्स उसमें भी एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है, पर हम हमारे डेटा को जिस तरीके से हमें चाहिए हम उस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अब जो बात है कि वेबसाइट पे है, तो वेबसाइट जो है वो एक फॉर्म, वो क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, जो कि हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एडिट नहीं करते हैं, हम उसमें अपडेशन नहीं करते हैं। अगर आप भी नोटिस करेंगे, अगर कोई भी वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो वह वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस आपको देखने नहीं मिलता है। कोई अगर सेल है तो बस वो लोग एक एक्स्ट्रा एक बैनर ऐड कर देते हैं उसके रिगार्डिंग में, पर कोई मेजर चेंजेस आपको फ्रीक्वेंटली देखने नहीं मिलती है किसी भी वेबसाइट पर। पर ब्लॉग जो है उसका जो कंटेंट होता है वो एक पोस्ट के फॉर्मेट में होता है और ये जो होता है वो रेगुलरली अपडेट होता है। एंड एक और चीज़ है कि जैसे आप अगर नोटिस, एक आपने देखा होगा कि जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, ब्लॉग जब स्टार्ट हुआ था तो वो एक पर्सनल थिंग के फॉर्मेट में स्टार्ट हुआ था, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। तो बेसिकली आपका यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या था डिफरेंस का, कि वेबसाइट में अपडेट जो है फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, जबकि कॉन्टेंट जो होता है ब्लॉग के अंदर वो बेसिकली आपका रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता है। उसमें रेगुलर आप कह लीजिए, डेली कह लीजिए, इस तरीके से वहाँ पे अपडेट्स आते हैं, जबकि वेबसाइट पे सेम चीज़ नहीं होती है। अब ब्लॉग जो है वो एक वेबसाइट के इस पे हो सकता है, खुद किसी भी वेबसाइट के ऊपर ही हो सकता है, या फिर किसी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है। पर आजकल आप जो ट्रेंड देखेंगे वो क्या होता है कि लोग वेबसाइट के अंदर ही एक वेब पेज डाल देते हैं ब्लॉग का, जहाँ पे ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। एंड आप अगर ब्लॉग्स को देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि वो जब स्टार्ट हुआ था तो वो एक पर्सनल टाइप में हुआ था, कि मान लीजिए कि हमारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए है, तो हम, हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, हमारे ई कॉमर्स का जो नॉलेज हमारी टीम के पास है, हम उसको ब्लॉग के फॉर्मेट में रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते थे। तो वो एक काइंड ऑफ पर्सनल था, कमर्शलाइज नहीं था, जहाँ पे आप मेनली देखेंगे तो ट्रैफिक अच्छा आता भी था, जहाँ पे ट्रैफिक जो है आता था। तो ये कंपनीज ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि जो ये ब्लॉग्स है वहाँ पे ट्रैफिक तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो इसको हम कमर्शलाइज कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे सेल्स के लिए, या जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब सेम टाइम पर अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे, तो मैंने जैसे बताया, जैसे कि वेबसाइट पे चेंजेस रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, तो वहाँ पे कंटेंट भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं होता, तो इसीलिए वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है एंड जो ट्रैफिक होता है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, तो मान लीजिए कि आप कोई भी वेबसाइट विजिट करेंगे तो उनका जो मैंडेटरी या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपने एक बार चेक कर लिया, तो उसके बाद आपको उस वेबसाइट पर दोबारा विजिट करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। पर सेम टाइम पर अगर कोई ब्लॉग है, या फिर यहाँ पर ब्लॉग के लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का एग्जाम्पल दे दूँ, कि वहाँ पे डेली बेसिस पे एक कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई एक टॉपिक आता रहता है, तो वहाँ जो ट्रैफिक होता है वो एक रिकरिंग ट्रैफिक होता है, ना कि एक वन टाइम ट्रैफिक होता है, वन टाइम व्यू होता है, जो कि वेबसाइट पे पहले इस तरीके से नहीं देखने मिलता था। वहाँ पे बस वन टाइम विजिट होता था एंड देन दैट्स इट। तो ये जब लेटर कंपनीज ने जब ये चीज़ नोटिस की कि ब्लॉग एक बहुत अच्छा यूजफुल टूल हो सकता है उनके लिए, जो उनके लिए एक रिकरिंग बेसिस का ट्रैफिक जनरेट कर सकता है, तो फिर अब आप देखेंगे अगर, तो वेबसाइट में आप देखेंगे कि हर वेबसाइट में ब्लॉग डाला जाता है, या फिर सजेस्ट तो ज़रूर करते हैं कि हम ब्लॉग उसमें अपडेट करें।
ठीक है, क्यों करते हैं? सो यही रीजन है कि ब्लॉग जो होता है वो डेली ट्रैफिक लाने में काफी अच्छा हेल्प करता है, एंड उससे वो जो रिकरिंग ट्रैफिक है वो मेंटेन रहती है, एंड अगर आप उस पर कुछ भी एड रन करेंगे या इस तरीके से करेंगे तो ट्रैफिक जो फ्लो होता है उस पर वो काफी अच्छा होता है। सो अगर मैं अब तक जो हमने बात किया उसको अगर मैं समराइज करूँ तो ब्लॉग्स जो स्टार्ट हुआ था वो एक पर्सनल यूज के लिए हुआ था, एंड ब्लॉग्स जो होते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन का रिसोर्स होता है, वो कोई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ पे कोई अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेच रहा हो। पर जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉग्स पे एक तरीके से हमने देखा कि अगर ब्लॉग सही तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो, ब्लॉग पे कंटेंट अच्छा हो, तो उस पे ट्रैफिक काफ़ी अच्छा हमें देखने मिलता था, जो कि कंपनीज ने रिकॉग्नाइज किया एंड उन्होंने क्या किया कि उसको अडॉप्ट किया, एंड उन्होंने ये जो इंटीग्रल पावर है वेबसाइट की एंड ब्लॉग की उन्होंने फिर वो स्टार्ट किया। एंड वहाँ पे क्या होता है फिर कि जो ब्लॉग्स होते हैं उनको हम ऐड जब करते हैं तो हम रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। अब जैसे मैंने ई कॉमर्स का एग्जाम्पल दिया, या फिर एक मान लीजिए होस्टिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरा कोई होस्टिंग का वेबसाइट है, मेरा कोई होस्टिंग का सर्विसेज है मेरे पास, तो अब मुझे ये सेल करना है तो मैं डायरेक्टली कोई आएगा तो एक ही बार आएगा, पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पूरा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, ब्लॉग पोस्ट डालना स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे मैं ये बात करती हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें बीच बीच में मैं अपने होस्टिंग के बारे में बताती रहती हूँ, एकदम डायरेक्टली नहीं कि आप ले लीजिए, पर हाँ मैं आपको उसमें बताती रहती हूँ कि आप किस तरीके से हमारा होस्टिंग सर्विस आप यूज कर सकते हैं, कैसे ये इस स्टेप पे यूजफुल हो सकता है। तो ये जो है ये काफी एक अच्छा वे बन चुका है, या फिर ये एक अच्छा वे था तो इसीलिए कंपनीज ने इसको अडॉप्ट किया, जो कि काफी यूजफुल वे बन चुका है अब ब्लॉग्स को वेबसाइट के साथ यूज करने का। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर सच कॉन्टेंट।